मेरे पास है ये, फिर ये, अब ये। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं राइड विद बाइक। तो आप जितना भी ये जो चीज़ें देख रहे हैं मेरी बाइक पे, ये एक्चुअली परफॉर्मेंस किट है। ये लिक्यूमोली कंपनी का, जर्मनी का जो ये एक ब्रांड है लिक्यूमोली, इस कंपनी का ये मैंने परफॉर्मेंस किट मंगवाया है। ये अलग अलग बाइकों के लिए, सबके लिए अलग अलग परफॉर्मेंस किट तैयार करते हैं। तो मैंने ये परफॉर्मेंस किट अपाची RTR 160 के लिए मंगवाया हुआ है। अगर आपके पास कोई और बाइक है तो उसके लिए अलग सा परफॉर्मेंस किट बनता है। तो दोस्तों, इसके साथ एक इस तरह का मेनू कुछ दिया हुआ रहता है जिसमें इस ब्रांड के बारे में कुछ बताया गया है और इसको कैसे यूज किया जाता है ये भी बताया गया है और कस्टमर केयर नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके साथ आपको एक तो ये मिलेगा और एक आपको इंजन ऑयल मिलेगा, एक मिलेगा इंजन फ्लश और एक होता है फ्यूल के लिए और एक होता है इंजन में डालने के लिए ये ट्यूब। तो इसको हम अभी लाइव आपके सामने दिखाएंगे कि कैसे यूज किया जाता है। तो इसको 4 स्टेप में यूज किया जाता है, जैसे कि इसमें मेंशन किया हुआ है कि पहले आपको इंजन फ्लश डालना है इंजन में, जहाँ भी आपका पुराना वाला इंजन जो भी डला हुआ है उसमें आप पहले एक इंजन फ्लश को डालेंगे और इस तरह जो डबल स्टैंड बाइक पे स्टार्ट करके उसको डाल देना, छोड़ देना 10 मिनट के लिए। उसके बाद आपको वो जितना भी है पुराना वाला जो आपका इंजन ऑयल था उसको निकाल लेना है। उसके बाद से ये वाला नया वाला डालना है, उसमें फिर से डालने के बाद ये आपको ट्यूब डालना है और एक ये फ्यूल पेट्रोल टंकी करवाने के बाद एक फ्यूल सिस्टम को डालना है। तो ये 4 चीज़ को इसमें मेंशन किया हुआ रहता है जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। पहली बार इसको यूज कर रहा हूँ और कोई प्रमोशन नहीं कर रहा। मैंने यूट्यूब पे देखा था बहुत सारे क्रिएटर्स यूज कर रहे थे, मैं भी ये सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने बाइक में डालूँ, उसके बाद मैं बताऊँ कि इसका सही में क्या है, रियल क्या है। तो लाइव डलवा के आपको दिखाऊंगा, मैं आज इस बाइक को सर्विस करा रहा हूँ और इसका मैं रियल और ऑनेस्ट जो रिव्यू है वो कुछ दिन चलाने के बाद ही मैं आपको दूंगा, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। 1957 में जो ये ब्रांड है लिक्यूमोली ये बना हुआ है और ये लास्ट 4 सालों में Moto2 एंड Moto3 MotoGP वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है उसमें ये लास्ट 4 साल में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है लिक्यूमोली का। तो ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है और ये पूरा मेड इन जर्मनी है। तो इंडिया में इसका सप्लायर मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कहाँ से लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं LR मोटर्स लिखा हुआ जो चेन्नई में है। तो यहाँ पे इंडिया में मेन सप्लायर इनका यही है, बाकी इसका अमेजोन पे भी आपको मिल जाएगा। इसका परचेज लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, LRL मोटर का भी मैंने डाल दिया और अमेजोन का भी डाल दिया है। तो अब चलिए इसको लाइव दिखाते हैं कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको कुछ स्टिकर्स भी मिलते हैं लिक्यूमोली का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी एक स्टिकर दिया गया है, इसमें भी है, इसमें भी है और एक इस तरह का लिक्यूमोली का की चेन आपको दिया जाता है की में लगाने के लिए। बाकी आप ये जो स्टिकर है आप अपने बाइक में कहीं पर भी लगवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ रहता है। तो अब चलते हैं हम अपने सर्विस सेंटर में। तो भाई देखिए, सबसे पहले सर्विस मैं कैसे करवाता हूँ, ये पूरा जो चीज़ है टंकी पेट्रोल टैंक होता है उसको मैंने खुलवा दिया, बाकी ये भी खुलवा दिया, यहाँ का सीट वगैरह यह सब खुलवाने के बाद जो यहाँ का चेन कवर होता है चेन कवर को भी खुलवा दिया, क्योंकि यहाँ पर जो गंदगी देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारा जो आप जब ग्रीसिंग करते हैं या ग्रीस या कोई भी स्प्रे लगाते हैं तो जो कचरा होता है यहाँ पे आके जम जाता है, तो इसलिए ये भी खुलवा के साफ़ करा तो बढ़िया होगा, अच्छा होगा। आपका चेन जो सॉकेट है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। तो अभी भाई ये किरोसिन से ये साफ़ कर रहे हैं, उसके बाद ये सारा हो जाएगा तो स्प्रे वगैरह या ग्रीस वगैरह मैं डलवाऊँगा। तो इस तरह से सर्विसिंग करवाएं तो आपका बाइक जो है थोड़ा लंबे समय के लिए सही रहेगा। बाकी ये सब यहाँ खोल के इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पर किरोसिन का छिड़काव होगा, स्प्रे किया जाएगा जिससे जंक लगेगा भी तो लेट से लगे, बाकी सब सही है। और यहाँ पे हमारा टंकी खोल के रखा हुआ है और यहाँ पे सीट है और ये रहा हमारा बाइक। अब हो रहा है सर्विस, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि लिक्यूमोली को इसमें कैसे यूज किया जाता है। और दोस्तों मैं बता दूं, लिक्यूमोली जो है वो मुझे 1600 का पड़ा था, वो मुझे डिस्काउंट में कुछ पड़ा था, तो आप अभी जाके चेक कर सकते हैं, अगर आपको डिस्काउंट होगा तो आपको भी ये डिस्काउंट में मिल जाएगा, अदरवाइज़ इसके जो भी प्राइस होंगे वो 1700 या 1800 के आसपास ही होंगे।
देखिए यहाँ ये खोल के साफ़ कराने का फ़ायदा तो ये होता है कि यहाँ का जो जितना भी गंदगी था देख सकते हैं सब साफ़ हो गया है, इसीलिए बोलता हूँ खोल के ये साफ़ करवाए कीजिए। फॉर्म जो है दबाने के बाद जब खिल रहा है तो 12 बजे तक इसका मैंने ऐसा जाएगा, दबाएंगे तो दबा रहा है खुल नहीं पाएगा। अच्छा, इतना स्पीडी खुल रहा है ना, इतना स्पीडी खुलेगा नहीं, मतलब सही है। भाई मेरा ये पिछले बार सर्विस में चेंज करवाया था तो इस बार नहीं करा रहा हूँ। मिनिमम 10,000 किलोमीटर चलने के बाद एयर फिल्टर चेंज करवाना चाहिए, 10 से 12,000। तो पर मैं अभी इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसको साफ़ करके इसको मैं फिर से लगवा रहा हूँ। ये भी मेरा पिछले बार चेंज हुआ था और ये भी चेंज हुआ था, तो इस बार चेंज नहीं करवा रहा हूँ, नया नहीं लगवा रहा हूँ, उसी को साफ़ करके लगवा रहा हूँ। और बाकी जो स्टिकर था उसको मैंने एक यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ और एक इस साइड में है, और जो की चेन था वो मैंने की पे लगा दिया है। का जो पॉकेट किट है उसका हब का हब्स का बेयरिंग जो है वो ख़राब हो चुका है, इससे टालमाल। हाँ, ये तो इससे इस पॉकेट में भी जो किनारे किनारे जो देख रहे हैं ज़्यादातर घिसा हुआ है, समझ रहे ये ज़्यादा जितना घसा हुआ है इसके कारण ही ज़्यादातर घसता है। इसका जो ये कवरिंग रबर है, राउंड रबर, ये जो रबर है ये भी घिसने पे घिस रहा है। हाँ, ये मदद करता है घिसने में और कुछ नहीं, अगर वो सही रहा ये सब पार्ट आपको चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। जन प्लस को अभी डालने हैं इसमें, ये प्लस करने के लिए ये चला गया अंदर, ये इसके अंदर अभी पुराना वाला इंजन ऑयल है उसी में ये नया वाला इंजन प्लस डालना है। उसके बाद बंद करके 10 मिनट रनिंग में इसको छोड़ देना है नॉर्मल में। और अभी पेट्रोल टैंक लग गया, पहले नहीं था, अभी लगा के, अभी इसको लगा के हम लोग छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। तो हमारा इंजन प्लस लग गया है, अब इसको 10 मिनट के लिए बाइक स्टार्ट करके छोड़ देते हैं, उसके बाद हम इसको पुराना वाला निकालेंगे। इसका मेन काम यही है कि इसमें जो कचड़ा लगा रहता है पहले वाला उसको क्लीन करने का काम है इसका। तो अभी 4:35 हो रहा है, 4:45 में हम इसको चेंज करेंगे, इसका इंजन ऑयल को निकालेंगे। तो 10 मिनट के बाद अब वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी 10 मिनट होने को है और ये आपको रेस नहीं देना है, ऐसे करके नहीं, जैसे सिंपल सा है, इसको स्टार्ट करके बस छोड़ देना है। 10 मिनट अब होने को है, हम अभी इसको निकालने वाले हैं। हमारा हो गया है इंजन ऑयल, नया वाला हमने डाल दिया, और एक ये जो ट्यूब था इसको भी हमने डाल दिया। अब ऑयल फिल्टर ये हमने नया डाला है, बाकी एयर फिल्टर मेरा पुराना वाला ही है, बाकी उससे कोई दिक्कत नहीं है, नया ही था वो भी। हाँ, तो वो भी नया था, ये भी नया था, फिर भी ये चेंज करवा लिए, वैसे ही ज़्यादा पैसा नहीं है इसीलिए। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने पहले जो इंजन फ्लश था वो मैंने पुराने वाला जो इंजन मेरा पहले से डला हुआ था बाइक में उसी में मैंने इंजन फ्लश को उसमें डाला, और बाइक को डबल स्टैंड पे करके मैंने 10 मिनट के लिए बाइक को स्टार्ट करके छोड़ दिया था। उसके बाद जो मैंने निकाला था, जो पुराना वाला मोबिल हमारा निकला था, वो काफ़ी पतला निकला था, काफ़ी क्लीन करके निकला हुआ था। उसके बाद हमने नया वाला डाला था, जो लिक्विमोली का है, नया इंजन ऑयल को इसमें डाला था। उसके बाद जो एक ट्यूब जो मिला हुआ था उसको मैंने इंजन जो नया इंजन ऑयल डाला उसमें डाला था। बाकी एयर फिल्टर भी आप चेंज करवा सकते हैं अगर आपका पुराना हो गया, तो मेरा नया था तो इसलिए चेंज नहीं करवाया। और बाकी जो ऑयल फिल्टर था वो मैंने चेंज करा दिया, वो भी फिलहाल नया ही था, फिर भी मैंने चेंज करवाया। आप जब भी ये चीज़ करें, जब आप लिक्विमोली का प्रोडक्ट को जब आप यूज करें, तो उसमें एयर फिल्टर और ऑयल क्लीन जो होता है इंजन ऑयल फिल्टर, वो भी आप क्लीन करवाएँ। बाकी अभी जो पेट्रोल का है, अभी बच गया है हमारा ये फ्यूल सिस्टम क्लीनर, तो अभी हम इसको डालेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले अपने बाइक के पेट्रोल टैंक को फुल कर दें, उसके बाद ही आप इसका यूज करें। इसका काम रहेगा कि आपके जो पेट्रोल में कचरा होता है उसको ये इंजन में जो आने से बचाता है। अभी हम इसको इस तरह से खोल दिए, इसको इसमें डाल देंगे।
सकते होंगे आपकी मेरा पेट्रोल ये पूरा फुल है, उसके बाद मैं इसको डाल रहा हूँ। ये आपके पेट्रोल टैंक में जंक लगने से बचाएगा और जो भी कचरा होगा उसको साफ़ करता है। तो इसका काम हो गया, बाकी अब हम इसको कर देते हैं बंद। उसके बाद मैं इसको कुछ दिन यूज करूँगा, राइड करूँगा, उसके बाद आप लोगों को बताऊँगा कि आपको ये ख़रीदना चाहिए नहीं, क्या सही है, क्या फ़र्क पड़ रहा मुझे पुराने और नए में। तो अभी आप एक बार देख लीजिए कितना किलोमीटर पे अभी बाइक है, उसके बाद मैं आपको कुछ किलोमीटर चलाने के बाद आपको अगले वीडियो में बताऊँगा कि मैंने कितना किलोमीटर राइड किया, तो एक्सपीरियंस क्या रहा ये प्रोडक्ट को यूज करके। तो अभी आप जैसा कि देख सकते 24,871.6 किलोमीटर चला हुआ है। बाकी जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कितना किलोमीटर मैंने राइड किया है, तो उसके एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या सही है, वो सब मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, क्योंकि ये कोई प्रमोशन नहीं है। तो जो रियल चीज़ है वही चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, सारा चीज़ कर दीजिएगा।